हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास बीए का फर्स्ट पार्ट का, जिसका एग्ज़ाम का डेट लगभग जारी हो चुका है, जो कि 20 अप्रैल से होने वाली है और 11 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसी के बारे में है, यह मुजफ्फरपुर के पेपर का कटिंग है। इसमें बिहार विश्वविद्यालय के तरफ से जारी की गई नोटिस है। लिखा हुआ है कि BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2020 से 23 के छात्रों की परीक्षा 20 अप्रैल से संभावित है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अभी छात्रों से परीक्षा फॉर्म भरवा रहा है। 11 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा की पूरी तैयारी चल रही है। परीक्षा पूर्व की तरह सब्जेक्टिव होगी, यानी पहले जो है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही एग्जाम होगा। आगे लिखा हुआ है, कोरोना संक्रमण के दौरान स्नातक की पहली बार ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। आगे लिखा हुआ है, फॉर्म भरने में कठिनाई पर त्वरित समाधान। इधर छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेजों के लिए हेल्पलाइन स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर के विश्वविद्यालय स्थित कार्यालय से लगातार कॉलेजों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर टीके डे ने बताया कि फॉर्म भरने के पैटर्न में बदलाव के बाद कॉलेजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए पहल की गई है। इसके लिए सभी अंगीभूत और संबद्ध डिग्री कॉलेजों के तकनीकी सहायक का व्हाट्सएप नंबर लेकर टेक्निकल हेल्पलाइन नाम से ग्रुप बनाया गया है। समस्या होने पर कॉलेज से सहायक ग्रुप में अपने समस्या रखते हैं। UMIS में तकनीकी विशेषज्ञ उसका त्वरित समाधान करते हैं। दोस्तों, यह तो स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अप्रैल महीना में ही होगा, लगभग 20 अप्रैल से, और इस बार क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव न हो करके सब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम होगा वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, इसलिए अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए ज़ोर शोर से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।